मध्य प्रदेश के सागर में दुनिया का इकलौता चतुर्मुखी जिनालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस जिनालय की खास बात यह है कि यह 3 मंजिला 216 फीट ऊंचा होगा और जहां से भी इसका शिखर दिखाई देगा वहां तक का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। सागर जैन समाज के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से भाग्योदय तीर्थ परिसर में इस जिनालय को बनवाया जा रहा है। पिछले 4 सालों से लगातार 200 मजदूरों के द्वारा इसका काम किया जा रहा है। आने वाले 4 साल और इस मंदिर को बनाने के लिए लगेंगे। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद इसके पंच कल्याणक किए जाएंगे। ट्रस्टी मुकेश जैन ढाना के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से चतुर्मुखी जिनालय का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। मंदिर का भूमि पूजन साल 2019 फरवरी में किया गया था। आगे उन्होंने बताया कि यहां पर राजस्थान और गुजरात के भुज व मकराना का पीला और लाल पत्थर लग रहा है। पहले खंड का निर्माण कार्य अंतिम स्थिति में है। 3 खंड का मंदिर जिसमें प्रत्येक खंड में 108 मूर्तियां विराजमान होगी। मंदिर की ऊंचाई 216 फीट है। साल 2026 के अंत तक इसका काम पूरा होगा। भाग्योदय तीर्थ में सर्वतोभद्र जिनालय का निर्माण कार्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से सागर जैन समाज के द्वारा किया जा रहा है। 2016 में जैन समाज के द्वारा आचार्य श्री के समक्ष आग्रह किया गया था कि आचार्य श्री जी ऐसा तीर्थ क्षेत्र सागर में बने जो विश्व में कहीं दूसरी जगह नहीं हो। आचार्य श्री ने सर्वतोभद्र जिनालय के मंदिर के संदर्भ में समाज के लोगों से चर्चा की और उसके पश्चात समाज के लोगों ने उसे स्वीकार किया और चतुर्मुखी जिनालय का निर्माण कार्य लगातार जारी है। 2019 में इसका भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ और पहला खंड लगभग बनकर तैयार है। 108 प्रतिमाएं एक खंड में होंगी और 3 खंड का यह मंदिर है। लगभग 324 प्रतिमाएं इसमें रखी जानी है। इसके अलावा इस मंदिर की विशेषता ये है कि 216 फीट की हाइट जमीन से इसकी रहेगी और आचार्य भगवान कहते हैं कि जहाँ से भी मंदिर का शिखर दिखाई देगा वहाँ तक के वासु दोष समाप्त हो जाएंगे।